निर्देश जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कबूतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वक्त, यह न समझिए कि वह कौन में, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है।